जय स्वामीनारायण दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने देखा है कि हमारा जो ड्रिल बिट होता है उसका हम एक्स और जेड का ऑप्शन कैसे लेते हैं। तो अगर वो जो होल है हमारा, अगर हमने 10 का ड्रिल मारा है और उसके बाद में हमें उसमें से 10 में से 20 का या फिर 15 का होल करना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? बोरिंग करना पड़ेगा। तो वो जो बोरिंग टूल होता है उसका ऑप्शन कैसे लेते हैं, उसके बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो मेरा नाम है हार्दिक, आप देख रहे हैं पिच सेकंड में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और दबाए बेल आइकन को हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो अभी हम यहाँ पर, हमारे पास एक मैंने बोरिंग लगाया हुआ है और एक आईडी किया हुआ जॉब, मतलब कि होल वाला ही जॉब है जिसका हमें ऑफसेट लेना है बोरिंग के थ्रू। तो मैं अभी कैमरा जूम करके आपको दिखाने जा रहा हूँ। यहाँ पर हमने यहाँ पर एक बोरिंग टूल लगाया हुआ है और उसको हमने जो वर्किंग स्टेशन है उसके ऊपर पहले से ही कॉल कर दिया है। तो अभी ये जो टूल है उससे हमारी जो पहले टबिंग टूल के लिए हम जो फेस करते थे उसी तरीके से यहाँ पर हम एक कट लगाएंगे और हम जेड का ऑफसेट लेंगे और उसके बाद में आईडी में कट लगाने के बाद हम उसका एक्स का ऑफसेट लेंगे। तो अभी हम यहाँ पर मैन्युअली कंट्रोल के ऊपर चलते हैं और आपको मैं वहाँ पर दिखाता हूँ कि आपको क्या करना है। तो अभी सबसे पहले हमें MDI में जाना है RPM घुमाने के लिए और फिर हमें यहाँ पर प्रोग्राम की प्रेस करने के बाद यहाँ पर हमें लिखना है M03S1000 एंड ऑफ ब्लॉक इंसर्ट। इतना करने के बाद हमें साइकिल स्टार्ट करना है ताकि हमारा जो चक है वो रोटेशन ले ले। उसके बाद में हमें ऑफसेट लेने के लिए मैन्युअली जॉग मोड के अंदर जाना है, फिर यहाँ पर जो हमारा टूल है उसको धीरे धीरे हमें नज़दीक लाना है हमारे वर्कपीस के। एक बार यहाँ पर नज़दीक आ जाने के बाद फिर हमें, हम जैसे टर्निंग का ऑफसेट लेते समय हमने किया था कि यहाँ पर हमें MPG सिलेक्ट करना है। उसके बाद में MPG सिलेक्ट करने के बाद हमें धीरे धीरे से अंदर जाना है जेड डायरेक्शन में और उसके बाद में हमें हमारे जो जॉब है उसकी फेस करनी है। एक बार यहाँ पर ये टच हो जाने के बाद हमें इसकी पूरी फेस कर लेनी है। एक बार यहाँ पर ये फेस हो जाने के बाद अभी मैं आपको कंट्रोल के ऊपर ले चलता हूँ। यहाँ पर सारे टूल की तरह यहाँ पर OFS सेट करके ये जो बटन है उसको प्रेस करना है। उसको प्रेस करने के बाद हमारा जो टूल है वो 5 नंबर के वर्किंग स्टेशन के अंदर लगा है और अभी हम जेड का ऑफसेट सेट कर रहे हैं। तो हमारा ये जो मार्क है उसे हमें यहाँ पर सेट करना है जेड की लाइन में 5 नंबर के ऊपर। फिर वहाँ जाकर हमें ऑफसेट डालना है, जेड का ऑफसेट है तो हमें लिखना है Z0.0 पर यहाँ पर मेज़र करना है। दूसरी बार रिपीट करना है Z0.0 मेज़र। तो अभी हमारा यहाँ पर ये जो टूल है उसका जेड का ऑफसेट क्लियर हो चुका है। हमने एक बार हमारे टूल का जेड का ऑफसेट ले लिया, अभी हम क्या करते हैं कि हमारे टूल का एक्स का ऑफसेट लेते हैं। तो एक्स का ऑफसेट लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हमारा जो रफ आईडी है वो आईडी के अंदर हमें कट मारना पड़ेगा। जैसे हमने एक्स का टर्निंग टूल का जब हमने ऑफसेट लिया था तो उसके अंदर हमने क्या किया था कि रफ जो डायमीटर था उसको डायमीटर बना दिया था और उसको मेजर किया था। उसके बाद में वो जो वैल्यू आई थी वो हमने हमारे एक्स की वैल्यू के अंदर डाली थी। तो अभी इसमें भी इसी तरीके से करना है। तो अभी मैंने यहाँ पर हमारा जो बोरिंग टूल है उसको सेट किया हुआ है। अभी मैं थोड़ा कैमरा जूम कर लेता हूँ तो आपको दिख जाएगा। अभी हमें यहाँ पर इसको RPM देना है। RPM देने के बाद MPG सिलेक्ट करके हमें धीरे से यहाँ पर एक आईडी में नॉर्मल कट लगाना है। नॉर्मल कट लग जाने के बाद हमें हमारा जो ये टूल है उसकी एक्स के अंदर कोई भी मूवमेंट नहीं करनी है, उसको खाली जेड के अंदर मूवमेंट करा के MPG से बाहर ले लेना है। क्योंकि हम यहाँ पर उसका एक्स का जो डायमेंशन है वो नाप के ऑफसेट के अंदर फील करने वाला है। तो अभी हम यहाँ पर स्पिंडल को स्टॉप करते हैं और अभी हम इसका मेजरमेंट लेते हैं। तो अभी यहाँ पर हमारा जो डायमेंशन आया है वो 94.5 का आया है। तो अभी यहाँ पर हमें ऑफसेट में जाना है। हम 5 नंबर के टूल का ऑफसेट एक्स का ले रहे हैं। तो अभी यहाँ पर हमें फिल कर देना है एक्स 94.5।
5 और यहाँ पर हमें प्रेस कर देना है मेजर। तो अभी ये जो है वो हमारा एक्स का ऑफसेट भी सेट हो चुका है। तो अभी हम हमारा ये जो टूल है वो हम यूज़ कर सकते हैं। तो अभी आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें। और अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि पूरा जो CNC VMC का जो प्रैक्टिकल का नॉलेज है, प्रोग्रामिंग का नॉलेज है, वो मैं ऐसे ही आपको हर रोज एक नए नए वीडियो के द्वारा बताता जाऊँगा। जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक्स फॉर वॉचिंग।